प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर आपका 8 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड। तो देखिए आपका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर आपका 8.3 देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ए मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर 8.10। तो देखिए यहाँ पर दो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ और सेकेंड ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है कि विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग ये देखिए कि किसका फ्रैक्चर पॉइंट देखिए आपका ज्यादा है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट वाला ग्राफ, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें देखिए ग्राफ थोड़ा आपका आगे जा रहा है, और जो आपका सेकेंड पॉइंट है देखिए इसमें जो आपका ग्राफ है देखिए थोड़ा कम है इसका फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब जल्दी टूट जा रहा है। और आप लोग देख भी पा रहे होंगे हल्का सा अप्रोक्सीमेटली जो उसका ग्राफ है आपका स्ट्रेस पर हल्का सा ऊपर है आपका बी वाले से। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। फ्रैक्चर पॉइंट से भी आप लोग इसका निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। तो देखिए ज्यादा हम किसको खींच सकते हैं, देखिए किसका स्ट्रेन ज्यादा है, आपका ए का स्ट्रेन ज्यादा है या बी का स्ट्रेन, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट जो आपका है वो देखो किसका देखो ज्यादा नजदीक है आपका, है ना, वो बी वाले का नजदीक है, मतलब जल्दी टूट जाएगा आपका। और मीन्स देखिए सेम स्ट्रेस पे हम लोग आपका मटेरियल ए को ज्यादा स्ट्रेन दे सकते हैं, उसको ज्यादा खिंचाव दे सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन आपका निकल रहा है कि जो आपका फर्स्ट वाला जो आपका मटेरियल है उसका एक तो उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, और दूसरा स्कैस का ज्यादा है उसका, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मटेरियल आपका है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट www.paramhimalay.com पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।